Assalamu alaikum ji, Dr. Neelam Ayub here. Our session is a little late. We were expecting ki hum 4 baje shuru kar denge, but I had couple of patients, so bismillah karte hain aaj ke session ki. Sabse pehle to I would love to tell you people ki please, it's a request ki ye jo naya pandemic aaya hua hai COVID, we are passing through a very strange situation. ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में वी नो दैट एवरीबडी सफरिंग. और अगर इस वक्त में हम SOPs को फॉलो नहीं करेंगे तो इट इज़ डिज़ास्टर. वो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. हमें प्रिवेंशन करनी है क्योंकि कोविड का तो क्योर भी नहीं है. एंड व्हाट आर द SOPs? प्लीज़, अननेसेसरी बाहर जाना मना है. कोई नहीं जाएगा बाहर जब तक मजबूरी ना हो, नंबर वन. नंबर टू, अगर आपको अनअवॉइडेबल है और बाहर निकलना है तो प्लीज़ आप मास्क पहन के निकले. नंबर तीन, अगर आप ग्लव्स पहन सकते हैं तो बहुत बेहतर होगा कि आप ग्लव्स भी पहने. अननेसेसरी क्राउडेड एरियाज में जाने की ज़रूरत नहीं है. बिला वजह जहाँ शॉपिंग की ज़रूरत नहीं है, आप शॉपिंग मॉल्स में और मार्केट्स में ना जाएं. बहुत छोटे छोटे सिम्टम्स के लिए हॉस्पिटल्स में और OPDs को अवॉइड करें, बिकॉज अगर आप जाएंगे तो यू विल ब्रिंग इन द वायरस. और पहले जब इनिशियली कोविड शुरू हुआ था तो इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट परहैप्स इट इज़ अफेक्टिंग मोर ऑफ द एल्डरली पॉपुलेशन, लेकिन नाउ वी नो दैट इट्स नॉट द एल्डरली पॉपुलेशन. हर एज ग्रुप जो है वो अफेक्ट हो रहा है. किसी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो भी यंगर एज में मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है. जितने लोगों से हम मिलते हैं जिन लोगों को कोविड हो चुका है, वी हैव हर्ड फ्रॉम देम कि ये कोई आम बीमारी नहीं है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है. तो आई बिलीव कि आप सब लोग जो हैं SOPs को फॉलो करें और हम जितना कोशिश कर सकते हैं ताकि इस स्प्रेड को रोक सकें. ये आप दूसरों के साथ भी भला कर रहे हैं. एंड बी मुस्लिम वी बिलीव इन दैट कि हम जितना किसी बेटर कॉज के साथ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो उतना ही बेहतर है. जहाँ तक हमारी बात है तो चूंकि बीइंग डॉक्टर्स हमारी मजबूरी है, वी हैव टू कम टू द ऑफिसेस. दो आई हैव मोर ऑफ अ क्लाइंटल एस्थेटिक्स का, लेकिन उसके साथ भी चूंकि स्किन डिजीजेस भी बहुत ज़्यादा सारी हैं एंड पीपल विल नॉट वेट. और अननेसेसरी हॉस्पिटल जाने से बेहतर है कि अगर आप छोटे सेटअप्स में जाएं जहाँ पे आपका इनकाउंटर बहुत ज़्यादा लोगों से ना हो तो ये भी बेहतर होगा. अगर क्लिनिक्स में जैसे हम लोग हैं, वी आर ऑब्जर्विंग ऑल द SOPs, मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना. जितने पेशेंट्स आते हैं, हर पेशेंट के बाद अपने बेड्स के ऊपर, अपने काउचेस के ऊपर डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करना. जिसको कोविड सेंसिटिव है, वी आर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस. और उसके अलावा हम सारे पेशेंट्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ अपने अटेंडेंट साथ ना लाएं. अगर आपके साथ कोई मजबूरी में आ भी रहा है तो ट्राई टू मेक देम सिट इन द कार, डोंट ब्रिंग देम ओवर टू द क्लिनिक्स, ताकि जितना कम एक्सपोजर सबका हो उतना ही बेहतर है. नाउ वी गेट बैक टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स. हमने कुछ क्वेश्चन तो नोट किए हैं, बस आप मुझे प्लीज क्वेश्चन दिखा दें. मेरा क्लिनिक इस्लामाबाद में F7 मरकज जिन्ना सुपरमार्केट में है. इट्स जस्ट ऑपोजिट टू अल करम स्टोर. और हमारी टाइमिंग्स होती हैं फ्रॉम 12 to 6 PM. एट द मोमेंट ये हमारी टाइमिंग्स हैं. अगर कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने कोई न्यू टाइमिंग्स अनाउंस की तो फिर हम आपसे शेयर कर लेंगे. सबसे पहले मरियम ने हमसे सवाल पूछा है कि ड्राई स्किन केयर प्रोडक्ट्स क्या होने चाहिए. मरियम, सिर्फ आपकी नहीं बल्कि जितने ज़्यादा ये जिस किस्म का वेदर आया हुआ है, हम सब की स्किन ड्राई हुए हुए हैं. नाउ इट डिपेंड्स कि क्या आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है कि बहुत ड्राई स्किन है. अगर बहुत ड्राई स्किन है तो एक तो आप सेफगार्ड, लाइफ बॉय, डिटॉल सोप, इन सारे साबुनों को अवॉइड करें. ठीक है, ये मज़ीद आपको ड्राई कर रहे हैं. और साथ में आजकल चूंकि सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ड्राइनेस को फर्दर एग्जासबेट कर रहा है. तो कोशिश करें कि डव साबुन का इस्तेमाल करें. नंबर एक, बहुत रिपीटेडली साबुन इस्तेमाल ना करें, इट वुड बी बेटर. अगर ओवरऑल ड्राइनेस ऑफ स्किन की बात हो रही है तो चूंकि ठंड है और हम सब जो हैं गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं तो प्रोलॉन्ग्ड
हॉट शॉवर शुड बी अवॉइडेड. बहुत लंबा शॉवर नहीं लेंगे और बहुत गर्म पानी से नहीं लेंगे, वो मजीद आपकी स्किन को ड्राई करेगा. तीसरी बात ये, जब आप शॉवर ले लेती है तो एक बकेट ऑफ वाटर में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, अ लिटिल बिट ऑफ 1 टेबल स्पून तक का ऑलिव ऑयल डालें. वो आप अपनी बॉडी के ऊपर जैसे डालेंगी, इट विल रिटेन द मॉइस्चर इन योर बॉडी. आप उसको टॉवल से ड्राई मत करें, ठीक है. फिर आप मॉइस्चराइजर अच्छा सा इस्तेमाल करें, जिसमें से मुझे 2-3 मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा पसंद है. एक तो ड्यूमैक्स मॉइस्चराइजिंग लोशन है, वो आप दिन में 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं. इट विल कीप योर बॉडी वेल मॉइस्चराइज्ड. फिर सीटाफिल का मॉइस्चराइजर है, और उसके अलावा फिजियोजेन का मॉइस्चराइजर भी अवेलेबल है. ये सब आप अपने हैंड्स, फेस और पूरी बॉडी पे भी लगा सकती हैं, ठीक है. तो ये 3-4 प्रिकॉशंस आपने करनी है, और ड्राइनेस के लिए आप ना मॉइस्चराइजर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, इट विल हेल्प यू. दूसरा सवाल आमिरा ने हमसे पूछा है, वो कहती हैं कि एक्नी स्पॉट्स के लिए क्या किया जाए. बच्चे, एक्नी स्पॉट्स से मुराद, आप हमें अगर दोबारा ज़रा क्लियर कर देंगे कि इज़ इट द प्रॉब्लम ऑफ एक्नी स्कार्स, और इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ जो पिगमेंट रह जाता है, धब्बे जो रह जाते हैं, डार्कर स्पॉट्स जो स्किन के ऊपर एक्नी के बाद रह जाते हैं. अगर डार्कर स्पॉट्स आपके रह गए हैं तो उसके लिए आप स्किन और इन क्रीम मगरिब के बाद 2 घंटे के लिए चेहरे पे लगाएं, और फिर फेस वॉश ऑफ कर लें. और रात को आप विटामिन सी, एक्नी सी 10 सीरम के नाम से आता है, उसके 5 to 6 ड्रॉप्स डेली एट नाइट बेड टाइम पे लगा लें. इट विल हेल्प योर एक्नी स्पॉट्स. अगर आपके स्कार्स बने हुए हैं तो स्कार्स किसी भी क्रीम से नहीं जाते. उसके लिए हम 2-3 मोडेलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट बताते हैं, जिसमें कि सबसे पहले तो आ जाता है CO2 रिसर्फेसिंग लेजर, जिसके 5 से 6 सेशंस करने होते हैं, हर सेशन 1 महीने के गैप से. और इसका थोड़ा डाउन टाइम होता है, 4-5 दिन के लिए आपका चेहरा बर्न रहता है. वो तो इतना बिग डील नहीं है, क्योंकि आजकल सब ने मास्क पहने होते हैं. लेकिन ये एक प्रिकॉशन ही होती है कि 48 आवर्स के लिए आपने धूप में नहीं एक्सपोज होना. इफ़ यू यूज़ इट फॉर, इफ यू गो फॉर कपल ऑफ सेशन, यानी कि 4 से 5 सेशन, तो इंशाल्लाह आपके एक्नी स्कार्स 80% ख़त्म हो जाएंगे. ओमामा ने पूछा है कि पिंपल्स हैं मेरे चेहरे के ऊपर. ओमामा बच्चे, आई विल नीड टू नो कि एक आपकी उम्र कितनी है, नंबर एक. नंबर दो, क्या ये न्यू ऑनसेट है पिंपल्स का? आपके पिंपल्स की टाइप क्या है? क्या इसके अंदर पीप वाले दाने निकलते हैं, कि सिर्फ आपके लाल वाले दाने निकलते हैं, या फिर आपके नोड्यूल्स बनते हैं, जैसे कुछ दाने चेहरे के अंदर और कुछ जो है स्किन के बाहर होता है, या फिर कुछ लोगों को ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स बहुत बनते हैं. तो अगर आप हमें ये स्पेसिफाई कर देंगी तो हम आपको जवाब दे देंगे कि आप अपने पिंपल्स पे क्या लगाएं. लेकिन जब तक आप हमें रिस्पॉन्ड नहीं करती पिंपल्स से, मैं यही सोचूंगी कि शायद पीप वाले दाने आपके चेहरे के ऊपर आ रहे हैं. तो एक तो आप अर्केना एक्नी फेस वॉश यूज कीजिए सुबह शाम, और उसके अलावा जो है आप रात के वक्त डेलिसिन टी लोशन आता है, वो लगाएं रोजाना चेहरे पर, बल्कि सुबह शाम दोनों लगा लें. और सुबह के अंदर आप सनब्लॉक लगाएं, जो भी सीबम कंट्रोल सनब्लॉक है, जैसे स्पेक्ट्रम SC SPF 40 मिलता है, वो आप जो है हर 3 से 4 घंटे के बाद चेहरे के ऊपर लगाएं. इट विल हेल्प योर पिंपल्स. और अगर पीप के दाने ज्यादा हैं, आपकी एज जो है वो 13 साल से ज्यादा है, तो हम टैबलेट एडोक्सा 100 mg वंस डेली भी आपको शुरू करा सकते हैं. बट जस्ट सेंड मी पिक्चर्स एंड मे बी देन वी कैन डिसाइड बेटर. फिर जी शौकत ने हमसे सवाल किया है कि डार्क सर्कल्स का क्या इलाज है. शौकत, अब पहले तो हमने ये सर्चन करना है कि व्हाट इज द रीजन फॉर यू हैविंग डार्क सर्कल्स. इसमें से 2-3 वजूहात हैं. जब सबसे पहले तो जेनेटिकली अगर आप ऐसे डिजाइन हैं कि आपके पेरेंट्स में से किसी को डार्क सर्कल्स हैं, तो वी नीड टू नो दैट. या फिर क्या आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन ऐसी है कि आपको बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यूज करना है, या आप रात को बहुत देर तक जागते रहते हैं और आप स्क्रीन्स के सामने बैठे होते हैं, तो ये वी नीड टू नो, ठीक है. तीसरी बात हमें ये जाननी जरूरी है कि आप सनब्लॉक या कोई ऐसी स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. तो इफ़ यू कैन सेंड अस ऑल दीज क्वेरीज. और साथ में मैं आपको ये बता सकती हूँ कि डार्क सर्कल्स की जब बात आती है, तो आई वुड रिकमेंड यू कि जो भी रीजन है डार्क सर्कल के लिए, एक तो है बड़े रेजिस्टेंट टू ट्रीटमेंट, लेकिन फिर भी हम ऐसे नहीं कह सकते कि इनका कोई इलाज नहीं है. नंबर वन इज दैट हम कॉलेजन 2% सीरम यूज कर सकते हैं, वेलवेट आइज के नाम से आता है.
अगर वो नहीं तो आप आई परफेक्ट यूज कर सकती हैं, रोजाना रात को अपनी डार्क सर्कल के नीचे लगा सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप अगर आप कोई प्रोसीजर के लिए जाना चाहते हैं तो उसमें हमारे पास चॉइस है पीआरपी का। पीआरपी में हम आपसे 10 टू 20 सीसी ब्लड लेते हैं, उसको एक मशीन में सेंट्रीफ्यूज करते हैं, व्हाइट ब्लड को रेड ब्लड को अलग करते हैं, जो व्हाइट ब्लड होता है वो आपकी आंखों के नीचे इंजेक्ट कर देते हैं। चूंकि ये ऑटोलॉगस है, आपके जिस्म का अपना हिस्सा है जो आपके अंदर हम इंजेक्ट कर रहे हैं, तो द बेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इज दैट इट डजंट हैव एनी साइड इफेक्ट्स। ठीक है, तो पीआरपी के 3 से 4 सेशन कराएंगे तो बेहतरी आ जाएगी। अगर आप पीआरपी नहीं कराना चाहते और आप कहते हैं कि मुझे फॉर वंस एक ट्रीटमेंट कर दें, तो हमारे पास बड़ा बेसिक सा फिलर आता है। अगर हम एक फिलर आपको हाफ फिलर ऑन ईच साइड ऑफ द आई लगा देंगे तो इट विल ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट इन योर डार्क सर्कल्स, और आपको फिर एक साल के लिए तकरीबन कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। उसको मेंटेन करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि ऑन द टॉप ऑफ दैट वी कैन कंटिन्यू विद द वेलवेट आई सीरम, ताकि वो आप रोजाना रात को लगाएंगे तो आपका फिलर का इफेक्ट प्रोलॉन्ग टाइम तक मेंटेन रहेगा। हेलो टू एवरीवन, जो भी मुझे वहां से हाय कर रहे हैं और वेव कर रहा है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा, एक हमसे सवाल पूछा है संदन एहसन है, मैं शायद गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। संदन एहसन, उन्होंने मुझसे पूछा है कि मलाजमा क्रीम की क्या मलाजमा के लिए हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आई नीड टू नो 3-4 थिंग्स। Are you married? What is your age? ठीक है, ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि आपकी उम्र कितनी है, आप शादीशुदा हैं कि नहीं, क्या आपको कोई रिसेंट प्रेगनेंसी तो नहीं हुई, आपका सीरम फेरेटिन कितना है, आपका सीरम हीमोग्लोबिन कितना है, ठीक है, आपको कोई रिसेंट इलनेसेस तो नहीं रही जिसकी वजह से आपने खून की कमी हो गई हो या आपने बहुत ज़्यादा स्टार्वेशन की हो, वी नीड टू नो दैट। अच्छा, फिर तीसरी बात, मलाजमा की वजूहत में प्रेगनेंसी और लो हीमोग्लोबिन के अलावा ये होती है कि आप धूप में बहुत ज़्यादा एक्सपोज होती हो और आप सनब्लॉक ना लगाते हो, या फिर बहुत सारी खवातीन हमारी एक दूसरे से पूछ के कॉम्बिनेशन क्रीम्स बना लेती हैं जिसमें बेटनोवेट और आर्ची और फिर उसके अंदर पता नहीं कितनी क्रीमें ऐड करती हैं। क्या आपने ये क्रीमें तो नहीं इस्तेमाल की? अगर ये सब के जवाब नहीं में हैं तो फिर मैं आपको एडवाइस कर सकती हूँ, आप इन सब के सवालों के जवाब मुझे भेजिएगा। लेकिन मीनवाइल, क्योंकि अगर हम अंडरलाइन कॉज को नहीं ट्रीट करेंगे तो आपका मलाजमा ठीक नहीं होगा। सो वी हैव टू फिगर आउट दैट इफ देयर इज सम अंडरलाइन कॉज, तो पहले हम उसको एड्रेस करें और साथ में हम आपकी स्किन की ट्रीटमेंट करें। जनरली आई टेल एवरीबॉडी कि हमारी स्किन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इनसाइड। अगर आप अंदर से ही हेल्दी नहीं होंगे, हमें अंदर से ही मसले मसाइल होंगे, तो हमारी स्किन बेहतर नहीं हो सकेगी। ठीक है, अब मलाजमा के लिए नंबर वन, रात को आप स्किन और इन क्रीम मगरिब के बाद 2 घंटे के लिए लगाएं चेहरे के ऊपर रोजाना, और फिर इसको वॉश ऑफ कर लें। और बेड टाइम पे आपने इस तरह करना है कि आप ले लें ड्यू 11 क्रीम या फ्लोरेंस क्रीम, इन दोनों में से कोई एक क्रीम चूज कर लें और आप रात को अपने चेहरे के ऊपर, पूरे चेहरे के ऊपर लगाएं। ठीक है, और साथ में ग्लूटाथायोन की टैबलेट्स मिलती हैं, डिफरेंट ब्रांड नेम से मिलती हैं, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ टैबलेट थायोसिल 500 मिलीग्राम वंस डेली, आप ये साथ लेना शुरू कर दें तो इन तीनों से इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ना शुरू होगा। उसके अलावा धूप को अवॉइड करें, अपनी डाइट में आप अपनी डाइट में योगर्ट ऐड करें, हैंडफुल ऑफ नट्स ऐड करें। उसके अलावा जो है आप बेहतर से बेहतर गज़ा, यानी कि प्रोटीन ज़्यादा लें, स्टार्वेशन ना करें, और सुबह के अंदर सन ब्लॉक ज़रूर आपने लगाना है every 3 to 4 hours। ठीक है जी, तो ये हो गए आपके मलाजमा के ट्रीटमेंट की बात। फिर फरा माजिद इज़ माई डार्लिंग, उन्होंने सवाल किया हुआ है, शी कम्स टू मी वेरी फ्रीक्वेंटली, लेकिन आज परहैप्स शी थॉट दैट शी शुड बी आस्किंग अस क्वेश्चन। हेयर फरा, आपके हेयर लॉस नहीं ठीक हो सकता अगर आप इतना स्ट्रेस लेंगी, प्लीज आप बहुत ज्यादा सोचे मत। जनरली जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हेयर फॉल के लिए, मेरे ख्याल में मैंने आपके टेस्ट कराए थे, वी हैव टू फाइंड आउट कि आपका थायराइड हार्मोन ठीक काम कर रहा है कि नहीं, आपका हीमोग्लोबिन, अगेन सीरम फेरेटिन, आपका विटामिन डी लेवल, ये सब ठीक है कि नहीं। स्टार्वेशन मत करें, वेट लॉस अगर करना है तो उसके लिए आप बेहतर गज़ा खाएं, अपनी ईटिंग हैबिट्स को बेहतर बनाएं, और जितना ज़्यादा आप कोशिश कर सकते हैं एक्सरसाइज करें। ठीक है, स्ट्रेस लेवल को अपना कम करें ताकि आपका हेयर फॉल बेहतर हो। उसके अलावा मल्टीविटामिन्स जिसमें बायोटिन, जिंक,
मौजूद हो ऐसी कोई भी मल्टीविटामिन शुरू कर दें, रोजाना एक गोली खाएं, अननेसेसरी बालों को ट्रीट मत करें, बहुत ज्यादा डाई करना, स्ट्रेट करना, कर्ल करना, कर्ल करने से भी बाल बहुत खराब होते हैं तो कर्ल भी बहुत ज्यादा ना करें, ठीक है जी। और दिस स्प्रे कम्स विद द नेम ऑफ रिवाइवोजन स्प्रे, या शुरू कर दें, या पिली ग्रो के नाम से स्प्रे आता है, वो आप 6 पफ सुबह शाम यूज करें 3 मंथ्स के लिए, इंशाल्लाह आपका हेयर फॉल इम्प्रूव हो जाएगा। फिर हमसे पूछा है हफ्सा असलम ने एक्नी स्कार्स के बारे में। हफ्सा, आई नीड टू नो What is the type of the acne scars that you have? Again, मैंने शुरू में भी कहा था कि क्या आपके acne scars हैं कि acne ने अपने dark pigment छोड़ा हुआ है। दोनों का treatment अलग है। अगर dark pigment छोड़ा हुआ है तो उसके treatment मैं पहले बता चुकी हूँ। अगर आपके scars हैं तो scars के लिए मैंने पहले भी कहा है कि हम 2-3 modalities use करते हैं। एक तो CO2 resurfacing laser हमने करना होता है 3-4 session, या depending on the depth of the scar 5-6 session भी हो सकते हैं। उसमें हम आपकी स्किन को रिसर्फिस करते हैं, उसका डाउन टाइम है तकरीबन 5-6 दिन के लिए, आपका चेहरा जला रहता है, जैसे कि तवे के नीचे से रोटी अगर जल जाए वो ब्राउन स्पॉट्स जो रह जाते हैं, तो वैसे ब्राउन स्पॉट्स आपके चेहरे पर रह जाते हैं, लेकिन उस आजकल तो उनको कवर करना इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, बिकॉज वेयर एवर वी गो हमने वेयर दिस मास्क थिंग, ठीक है। तो वो एक तो हम CO2 resurfacing कर सकते हैं। फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि वी डोंट वांट टू डू समथिंग जिसका डाउन टाइम है, घर में इन-लॉज होते हैं, हस्बैंड वगैरह वगैरह, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो अगर वो नहीं कराना चाहते तो फिर हमारे पास ऑप्शन है माइक्रो नीडलिंग का, जिसमें आपके हम जेल लगाते हैं चेहरे के ऊपर और फिर माइक्रो नीडलिंग करते हैं, यानी कि नीडलिंग विद रेडियो फ्रिक्वेंसी लाइट। उसका डाउन टाइम नहीं है, 5-6 घंटे तक आपका चेहरा रेड रहता है और थोड़ा सा प्लम्पिश रहता है या हल्की फुल्की स्वेलिंग रहती है, लेकिन इट गोज ऑफ विद नेक्स्ट डे तक आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। तो माइक्रो नीडलिंग के भी 4-5 सेशन चाहिए होते हैं, 1 session every month, but the beauty of the treatment is it doesn't have side effect, it doesn't have downtime, and it doesn't have any long term mein koi side effects. तीसरी चीज जो हम कर सकते हैं वो हम PRP या एक्नी स्कार फिलर्स के साथ आपके स्कार्स को बेहतर लुक दे सकते हैं, जिसमें हम फिलर इंजेक्ट करते हैं, फिर हम 2 महीने बाद रिपीट करते हैं, उसके बाद 2 महीने बाद फिर रिपीट करते हैं। सो 3-4 सेशन में आपके स्कार्स बहुत हद तक फिलअप हो जाते हैं। अगर कोई एक मॉडेलिटी किसी को सूट नहीं करती तो हम इन तीनों को इंटरचेंजेबली भी कर सकते हैं टू इम्प्रूव योर स्कार्स, बट एक्नी स्कार्स हैव नो क्रीम अवेलेबल जिससे ये बेहतर हो सके। हाँ, वाहिद ऑप्शन जो है वो अगर हम टॉपिकल आइसोट्रेटिनोइन, जो कि स्किन ए के नाम से आता है, वो आप रोजाना रात को मगरिब के बाद 2 घंटे के लिए चेहरे पे लगा के वॉश ऑफ कर लें, और फिर उसके बाद आप जरूर ऐसे कीजिए कि दिन में सनब्लॉक लगाएं, बिकॉज उससे स्किन बड़ी सेंसिटिव हो जाती है, ये थोड़ी आपकी स्किन के टर्न ओवर को ज्यादा करेगा, तो आपके स्कार्स थोड़े से सॉफ्टर लुक देना शुरू कर देंगे, बट इन 8-9 months, ठीक है। तो ये दिस इज द ओनली पॉसिबल क्रीम जिससे थोड़ी इंप्रूवमेंट आ सकती है, बट अगेन आई वुड सजेस्ट कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एक्नी स्कार्स तो उसमें हम जरूर माइक्रो नीडलिंग या बाकी मॉडेलिटीज को वो करते हैं। अच्छा, देन इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मारिया। मारिया ने इटली से हमसे सवाल पूछा है और वो पूछती है व्हाइटनिंग इंजेक्शंस का और लिप ट्रीटमेंट का और एक्नी स्कार्स का। एक्नी स्कार का जवाब आपको मिल गया। लिप ट्रीटमेंट, क्या आपके लिप्स डार्क है या आपके लिप्स छोटे हैं? तो अगर आप इनको प्लम लुक देना चाहती हैं तो डेफिनेटली वी हैव द ऑप्शन ऑफ डूइंग लिप फिलर, ठीक है। हाइलूरोनिक एसिड फिलर करते हैं विच लास्ट अराउंड 9 months, ठीक है, ताकि आपके लिप्स को थोड़ा डिफाइन किया जाए, इनको हाइड्रेट किया जाए। बहुत प्लम लिप्स या बहुत पाउटी लिप्स नेचुरली आपके आम जिंदगी में अच्छे नहीं लगते, वो सोशल मीडिया और टीवी तक ही अच्छे लगते हैं। तो जब भी मैं फिलअप करती हूँ आई ट्राई टू कीप इट वेरी माइल्ड, जस्ट गिव यू एन आउटलाइन एंड हाइड्रेट योर लिप्स, ठीक है जी। व्हाइटनिंग इंजेक्शन इटली में आपको कोई नहीं लगाएगा क्योंकि वहां पे जरूरत नहीं होती लोगों को। ये बेसिकली व्हाइटनिंग इंजेक्शन ग्लूटाथायोन के टीके होते हैं। अब लोगों का ये ख्याल होता है कि हम सब ग्लूटाथायोन के टीके लगा के बिल्कुल गोरे हो जाएंगे और फॉर एवर हो जाएंगे। प्लीज लेट मी करेक्ट यू ऑल, वाइटनिंग इंजेक्शन मे इनहेंस योर कॉम्प्लेक्शन वर्क ऑन 2 tones, और मे बी अगर किसी को बहुत ही ज्यादा सूट किए तो 2-3 tones आपके बेहतर हो जाते हैं। 3 भी झूठ है, 2 tones से ज्यादा बेहतर नहीं होता। नंबर एक, वजह क्या है? वजह ये, अच्छा, अब मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्यों
वाइटनिंग इंजेक्शन को रिकमेंड हम नहीं करते हर मरीज को. द रीजन बीइंग, इफ मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू एंड इट्स नॉट अ बर्डन ऑन योर पॉकेट, तो आप आके बेशक जितने ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन लगवाना चाहते हैं आप लगवा सकते हैं. उसकी वजह यह है कि इट इज एन एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट विच हैज टू बी रिपीटेड. आप तकरीबन 10 से 15 इंजेक्शन लगवाएंगी हर हफ्ते एक इंजेक्शन, ठीक है जी, और फिर जब 15-20 लगवा लेंगी तो उसके बाद आप हर महीने या दो महीने बाद एक मेंटेनेंस इंजेक्शन बूस्टर डोज में हम आपको लगाते जाएंगे. अब ये नहीं है कि फॉर लाइफ लगाते रहना है. जब आप कुछ इंजेक्शन लगा के आपको अपना डिजायर्ड कॉम्प्लेक्शन अटेन हो जाएगा तो उसके बाद हम कहते हैं कि आप बेशक थोड़ी ब्रेक दे दें. जब आपको अपना फेस डल लगना शुरू हो जाए तो आप दोबारा ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन लगवाना शुरू कर सकते हैं. बट द पॉइंट इज दैट इफ मनी इज अ प्रॉब्लम, यू आर सेविंग मनी, और आप उस सेव्ड मनी को आके मुझे कहेंगे कि हमें ग्लूटाथायोन लगा दें तो मैं रिफ्यूज करूंगी. वजह क्या है? वजह यह है कि ग्लूटाथायोन का साइड इफेक्ट है कि आपको आपकी कॉम्प्लेक्शन को बेहतर करता है. ये इसका थेरेप्यूटिक इंडिकेशन नहीं है, ठीक है. अब थेरेप्यूटिक इंडिकेशन में ग्लूटाथायोन बहुत सी और चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि अगर किसी को कैंसर है और वो कीमोथेरेपी रिसीव कर रहा है तो उसके वो एक्स्ट्रा मेटाबोलाइट्स को जिस्म से निकालने के लिए उनको हाई डोज में इंजेक्शन ग्लूटा लगाया जाता था. फिर वहाँ से डिस्कवर हुआ कि ग्लूटाथायोन तो रंग गोरा कर देता है और आपके रिंकल्स ख़त्म कर देता है और आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ा रहा है, ठीक है. लेकिन ये कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाना तो इसके कामों में आता है, ये करेगा सबका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करेगा, लेकिन जो गोरा करना है और रिंकल्स को ख़त्म करना है ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स में है. तो ये हर किसी में मैनिफेस्ट नहीं होता. हो सकता है आप 20 इंजेक्शन लगवा लें लेकिन आपको कोई भी इन्हांसमेंट इन योर कॉम्प्लेक्शन ना मिले. ऑन द अदर हैंड किसी दूसरे बंदे को मैं 2 टीके लगा दूंगी और उनका कॉम्प्लेक्शन इन्हांस हो जाएगा. वजह ये कि इसका साइड इफेक्ट है कि गोरा करे, ये इसके लिए इस्तेमाल नहीं होता. तो हर एक में ये हम नहीं यूज कर सकते हैं. एम आई क्लियर? लेकिन आप चूंकि इटली में रहती हैं तो आप अगर ले आएंगी बहुत सारे पैसे वहां से, हम आपको लगा देंगे, इट्स नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम जी. फिर हमसे सवाल पूछे हैं सैयद माज ने. माज इज 27 ईयर्स ओल्ड एंड ही हैज प्रॉब्लम ऑफ हेयर लॉस. माज 27 साल बहुत कम उम्र है, लेकिन पहला सवाल जो मैं आपसे पूछूंगी कि आपके वालिद साहब के भी बाल कम है, नंबर एक. आपकी हेयर लाइन पीछे जा रही है कि आपको जनरलाइज्ड हेयर फॉल हो रहा है? आपका बाल जड़ से निकला होता है या आपके बाल टूटते ज्यादा है? ये 3-4 सवाल है विच इफ यू कैन सेंड अस द आंसर्स तो मैं आपको बेहतर बता सकूंगी. लेकिन जनरली मैंने पिछले सेशन में भी कहा था कि जब हम हेयर फॉल की बात करते हैं तो हमें 3-4 चीजों को रूल आउट करना है. वो क्या चीजें हैं? नंबर एक, क्या आपने कोई रिसेंट इलनेस तो नहीं गुजारी, कोई ऐसी बीमारी जिसमें से आप रिसेंटली निकले हो, कोई वायरल इन्फेक्शन, कोई भी आपके टाइफाइड हुआ हो या किसी भी किस्म का आपको कोई बीमारी गुजरी हो, नंबर एक. नंबर दो, क्या अपना वजन कम करने के लिए आप बहुत ज्यादा डाइट कंट्रोल तो नहीं करते जिसकी वजह से आप में डेफिशिएंसीज हुई हो? अगर ये भी नहीं है तो क्या आपका हीमोग्लोबिन और आपकी फौलाद यानी कि सीरम फेरेटिन की मकदार आपके जिस्म में पूरी है? आपका विटामिन डी का क्या स्टेटस है, वो आपके अंदर पूरा है? आपका थायराइड हार्मोन प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं, ठीक है? और एक जो टॉप रीजन थी वो कि एंड्रोजेनेटिक यानी कि आपको अपने वालदैन में से ये इनहेरिट नहीं हुआ. अगर ये 4-5 चीजें हम एड्रेस कर लेते हैं, इफ़ यू फाइंड आउट कि इनमें से कोई अंडरलाइंग डिजीज है, कोई आपका हीमोग्लोबिन लो है या आपको रिसेंटली कोई इलनेस हुई है, और खवातीन में खासकर प्रेगनेंसी, जो खवातीन रीसेंट चाइल्ड बर्थ दिया हो तो उनके भी हेयर फॉल बहुत ज्यादा होते हैं. मेल ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल बट जनरली आम आवाम की इंफॉर्मेशन के लिए तो ये 5-6 वजूहात हैं बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने का. या खवातीन में ज्यादा हेयर फॉल होने का की वजह ये होती है कि वो बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट्स करती हैं, बहुत ज्यादा हेयर डाई, शैम्पूज, कंडीशनर्स एंड देन यू नो सो मेनी दीज कलर्स और स्ट्रेटनिंग एंड कर्लिंग, तो इससे भी आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो जाता है. लेकिन अब चूंकि सैयद माँ 27 साल का लड़का है तो इसमें बहुत सारी ये वजूहत तो शामिल नहीं है. फिर वी नीड टू इन्वेस्टिगेट यू, फाइंड आउट योर थायराइड, विटामिन डी, सीरम हीमोग्लोबिन एंड फेरेटिन. अगर वो सब ठीक हो जाते हैं और आपकी फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है तो फिर हम आपको मल्टीविटामिन्स, मैंने पहले भी कहा था कि कैप्सूल प्रायोरिन आती है,
फिर टैबलेट वेविस्कल आती है, फिर टैबलेट पिलीग्रो आती है, ठीक है, इनमें से कोई भी गोली आप एक गोली रोजाना खाना शुरू कर दें, और अगर ये कोई भी नहीं मिलती आपको तो टैबलेट बायोटिन 6000 मिलीग्राम या 10000 माइक्रोग्राम सॉरी, ये आप आराम से किसी भी दुकान से लेके खानी शुरू कर दें। साथ में आप ऑयलिंग करें अपने हेयर की रेगुलरली विद कोकोनट ऑयल, ठीक है, आप हेयर जेल स्प्रे यूज कर सकते हैं, आप रिवाइवोजन स्प्रे यूज कर सकते हैं, आप पिलीग्रो स्प्रे यूज कर सकते हैं। आपने अपने बालों को यू पार्ट किया, हल्का सा स्प्रे किया, उसको अच्छी तरह मसाज किया, फिर आपने बालों को पार्ट किया, एक पफ किया, उसको मसाज किया 5 से 6 पफ करके अपने बालों के अंदर, और फिर जो है ट्वाइस अ डे या 5 से 6 महीने या 9 महीने कम से कम स्प्रे यूज करें, और साथ में कोई अच्छा सा मेडिकेटेड शैम्पू जिसमें बायोलिन शैम्पू भी आ सकता है, बायोक्सिन शैम्पू आता है, टी ट्री ऑयल वाला शैम्पू आता है, इनमें से कोई भी शैम्पू आप लेके हफ्ते में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। और एक सैयद मास एक बहुत अहम सवाल ये भी है कि आपको डैंड्रफ तो नहीं है? बहुत सारे लोगों को डैंड्रफ होती है तो उससे भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आपको डैंड्रफ है तो सबसे पहले तो आप कीटोविन शैम्पू इस्तेमाल करना शुरू कर दें हफ्ते में 3 मरतबा, जब आपका डैंड्रफ रिजॉल्व होगा प्रॉब्लम तो आपका हेयर फॉल भी बेहतर हो जाएगा। अच्छा जी, फिर आयशा ने हमसे सवाल पूछा है कि डेली यूज के लिए मल्टी विटामिन्स। आयशा, एक तो मुझे अपनी उम्र बताओ, फिर मुझे ये बताओ कि विटामिन्स क्यों, व्हाई यू कैन नॉट हैव अ बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, बैलेंस्ड डाइट में क्या, ठीक है, हम लड़कियां दूध में ज्यादा नहीं जाते तो हम विटामिन डी ले सकते हैं, सनी डे कैप्सूल। अगर आपका विटामिन डी कम है पहले चेक करेंगे, बिला वजह लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका नॉर्मल रेंज के अंदर नहीं आता तो आप सनी डे कैप्सूल ले सकती हैं, 200,000 यूनिट्स वंस वीकली 8 कैप्सूल ले सकती हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप दिन में एक एप्पल खा लें, अनार खाएं, केला खाएं और बैलेंस्ड डाइट ले, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाएं, ब्रोकली खाएं, ये सारे कलर्ड फ्रूट्स ऐड करें तो आपको विटामिन्स की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन अगर आप फिर भी चाहती हैं कि आपको हम मल्टी विटामिन बताएं तो एक आती है हमारे पास नोवाफिन के नाम से टैबलेट्स आती हैं, टैबलेट नोवाफिन एक गोली रोजाना खाना शुरू कर दें, या आप जो है फोलिस्टर प्लैटिनियम के नाम से गोली आती है, एक गोली रोजाना आप फोलिस्टर प्लैटिनियम, या फिर एलविट जो है वो आती है एक गोली एलविट की ले लें, इन तीनों में से वट एवर यू फाइंड ऑल आर गुड। ठीक है, एक गोली रोजाना खा सकती हैं। हुज़ैफा, हाउ आर यू डूइंग? हुज़ैफा ने हमारा बड़ा नियर डियर पेशेंट है, और हुज़ैफा के हम PRP के एक सेशन कर चुके हैं, इनके हेयर फॉल का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। हुज़ैफा 3 और सेशंस करेंगे इंशाल्लाह, वी लुक एट द प्रीवियस सेशन कि उससे कितना फर्क पड़ा, बट रफली 3 to 4 सेशंस आर यूजुअली रिक्वायर्ड। अच्छा, फिर हमसे पूछा गया है एंड्योर है या जो भी है, मैं शायद ये इनका आई डोंट नो ID है या वट एवर, बट Endure 2 और समथिंग लाइक दैट। एक्नी स्कार के बारे में पूछना चाहती हैं और फ्रैकल्स के बारे में पूछना। एक्नी स्कार का जो मैंने बड़ा डिटेल बता दिया है कि हम CO2 रिसर्फेसिंग लेजर कर सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो जो है हम PRP के सेशंस कर सकते हैं, हम एक्नी स्कार फिलर्स कर सकते हैं, या फिर हम माइक्रो नीडलिंग। सब चीजों के 3 से 4 या 4 से 5 सेशन रिक्वायर्ड होते हैं, 1 महीने का गैप बीच में आता है जिसमें CO2 रिसर्फेसिंग का डाउन टाइम है और बाकी चीजों का डाउन टाइम नहीं है। ठीक है जी, अनम नाम है। अच्छा अनम, दिस वॉज फॉर यू डार्लिंग। अच्छा, फ्रैकल्स, बच्चे आपके फ्रैकल्स हैं, क्या ये फ्रैकल्स हैं, मलाजमा है या एफलेट्स जो ब्राउन से स्पॉट्स यहाँ पे हाइलाइटर वाले एरिया में आते हैं वो है, या फिर अगर आपको एक्नी रह चुकी है तो एक्नी के निशान तो नहीं है। आई नीड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑल ऑफ देम। ठीक है, हर दाग को लोग फ्रैकल कहते हैं, बट वी हैव टू फिगर आउट दैट व्हाट इज द एक्चुअली डायग्नोसिस। इफ यू कैन सेंड मी अनम योर पिक्चर, आई विल सी दैट एंड देन आई विल टेक्स्ट यू अकॉर्डिंगली। ठीक जनाब, हसन साहब हमसे पूछना चाह रहे हैं कि CO2 लेजर एक्नी स्कार्स के लिए। हसन, मैंने काफी लोगों को जवाब दिया है, CO2 रिसर्फेसिंग इज वन ऑफ द टॉप मोडालिटीज व्हेन वी टॉक अबाउट एक्नी स्कार ट्रीटमेंट। अब मसला ये है कि एक्नी स्कार ट्रीटमेंट जब हम CO2 ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, दुनिया में कहीं पर भी आप चले जाएंगे तो पहले आपको CO2 लेजर का कहा जाएगा। अब हमारी एशियन स्किन में प्रॉब्लम ये होता है कि CO2 रिसर्फेसिंग जब हम करते हैं और आप एहतियात ना करें, एहतियात से मुराद मेरी ये है कि अगर आप
जैसे कि पहले हमने बात की थी कि अगर आप धूप में 48 आवर्स के अंदर एक्सपोज हुए या फिर आप नाइट क्रीम्स और जिस तरह से मैं प्रिकॉशंस बताती हूँ वो ना करें, तो एशियन स्किन में रिस्क होता है कभी कभी हाइपर पिगमेंटेशन या काले दाग पड़ने का। वो टेम्पररी होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो अगर हम माइल्डर जाएं, बहुत एग्रेसिव ना हो, दैट्स व्हाट आई डू, कि मैं 5 के बजाय मरीज को कहती हूँ हम 7 सेशंस कर लेंगे, बट वील गो माइल्डर ऑन यू, वी विल नॉट बी वेरी एग्रेसिव, ताकि बींग एशियन स्किन हमारा जो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं यानी कि ब्राउन पिगमेंट जो बनाते हैं उनको जरा सा भी ट्रॉमा पहुंचता है तो वो फर्न स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो एक तो CO2 रिसर्फेसिंग नो डाउट इज गोल्ड स्टैंडर्ड, लेकिन इन एशियन पॉपुलेशन मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा अपने ट्रीटमेंट को माइल्डर रखूँ, ठीक है। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई हैव सीन ब्यूटिफुल रिजल्ट्स विद एक्नी स्कार्स के लिए CO2 रिसर्फेसिंग लेजर करने का, लेकिन ये हम उसके साथ भी देखते हैं कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। अगर आप बहुत ज्यादा धूप में एक्सपोज होते हैं और आपका आउटडोर एक्टिविटी ज्यादा है तो फिर वी कैन चूज फॉर द अदर थिंग्स जिसमें माइक्रो नीडलिंग या आपका एक्नी स्कार फिलर आता है रादर देन गोइंग फॉर CO2 लेजर। लेकिन जनरली आप जहन में रखें कि 5 से 6 सेशन, एक सेशन एवरी मंथ, और दैट्स इट। अच्छा जी, हसन दीदार, ही अगेन हैव लॉट्स ऑफ एक्नी स्कार, हसन दीदार, CO2 रिसर्फेसिंग, माइक्रो नीडलिंग, PRP एंड एक्नी स्कार फिलर्स आर द चॉइसेस। मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं, कि बहुत बार ये होता है कि हम लोगों को माइक्रो नीडलिंग करके देते हैं और वो बहुत खुश होते हैं। ऑन द अदर हैंड बाकी कुछ लोग कहेंगे कि हमें तो डॉक्टर नीलम एक्नी, ये हमने माइक्रो नीडलिंग किया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम इन मॉडेलिटीज को मिक्स एंड मैच करके भी कर सकते हैं कि एक सेशन हमने CO2 का करा लिया, दूसरा सेशन हम फिर माइक्रो नीडलिंग कर ले, और फिर उन दो सेशंस को माइक्रो नीडलिंग और CO2 को अल्टरनेट करके जब टोटल 4 सेशन कर ले तो 5वें सेशन में आई इंजेक्ट अ सॉफ्ट माइल्डर फिलर, ताकि आपके जो थोड़े बहुत स्कार्स रह गए हैं वो और सॉफ्टर हो जाए एंड गिव यू अ गुड इंप्रूवमेंट, ठीक है जी। समीना कियानी पूछना चाहती है हमसे PRP के बारे में। समीना जी, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। PRP बेसिकली क्या प्रोसीजर है? कुदरत ने हर चीज़ का हल निकाला है। जनरली अगर हम ग्रोथ फैक्टर्स खरीदना चाहें तो एक तो अवेलेबिलिटी नहीं होती है, हमारे पास नहीं है पाकिस्तान में। ग्रोथ फैक्टर्स की अल्लाह ने क्या रिप्लेसमेंट रखी हुई है कि जब हम PRP करते हैं, इट इज़ बेसिकली प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। जब हम आपसे खून लेते हैं उसको रेड और वाइट ब्लड को अलग करते हैं, जो वाइट ब्लड है इसमें हमारे प्लेटलेट्स खुलिए जो होते हैं इनमें ये बड़े रिच होते हैं ग्रोथ फैक्टर्स में। द मोमेंट वी इंजेक्ट देम इनटू योर स्कैल्प ये स्टिमुलेट हो जाते हैं और ये अपने ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज करते हैं ताकि हमारे हेयर फॉलिकल को स्ट्रेंथन करें। एक ये बात होती है। दूसरी एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि ये प्लेटलेट जो है इसके ग्रोथ फैक्टर्स हमारे हेयर फॉलिकल को स्ट्रेंथन करते हैं। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि जो हम ट्रॉमा दे रहे हैं इंजेक्ट करते हुए डिफरेंट पॉइंट्स को स्टिमुलेट करें, तो जैसे हिजामा का कॉन्सेप्ट है कि आपकी लोकल मशीनरी जो है वो स्टिमुलेट हो जाती है, आपके अपने बॉडी का इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होता है कि यहाँ ट्रॉमा हो रहा है, यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करे, तो आपके हेयर फॉलिकल को स्ट्रेंथन करेगा। और तीसरी बात यह है कि जब हम मरीज का PRP करते हैं और ये साथ में नीडलिंग करते हैं तो हम इसके टॉप पे मल्टीविटामिन कॉकटेल डालते हैं, ठीक है जी। तो वो मजीद एक थर्ड एलिमेंट हो जाता है आपके हेयर फॉलिकल को स्ट्रेंथन करने में। जनरली 4 से 5 सेशन रिक्वायर्ड होते हैं या 3 सेशन रिक्वायर्ड होते हैं, वो डिपेंड करता है आपके हेयर फॉल पे। बट यहाँ पे लेट मी मेक श्योर कि जिन लोगों के हेयर फॉलिकल्स नहीं है या यहाँ से बिल्कुल गंज हो गया है, दे आर नॉट कैंडिडेट्स फॉर PRP, रादर दे आर कैंडिडेट्स फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट। इवन इन फीमेल्स सिलेक्टिव पॉपुलेशन में हम फ्रंट लाइन को रिस्टोर करने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। मैं नहीं करती, हमारे 2 बड़े रिस्पेक्टेबल प्लास्टिक सर्जन को मैं जानती हूँ, सो वी कैन रेफर यू टू देम। बट द पॉइंट इज के PRP से अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट इज एन ऑप्शन। बट हम हर मरीज को PRP का इसलिए कहते हैं कि आप ही जितनी जिस्म का हिस्सा निकलकर आपके स्कैल्प में इंजेक्ट होता है तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है।
और कभी कभी कॉन्ट्रोवर्शियल रिजल्ट आ जाते हैं. कुछ लोग कहते हैं कि हम पीआरपी से खुश नहीं हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक पे रिजल्ट नहीं आता. बहुत सारे लोगों का बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है. आपका हेयर फॉल तो फर्स्ट सेशन से ही अरेस्ट हो जाता है, और बाकी हेयर का वॉल्यूम बढ़ने में, आपका हेयर ग्रोथ होने में कम अज कम 6 माह लगते हैं. तो फौरन फैसला कर लेना कि एक सेशन में हमें पीआरपी से फर्क नहीं पड़ा. It is not appropriate. अच्छा जी, अच्छा एक तैयबा का सवाल है कि बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर रेपिगमेंटेशन. और एक एंड्योर अनम ने हमें अपनी पिक्चर भेजी है जिनको बहुत ज्यादा मलाजमा है. अनम बच्चे तुम्हारी, अच्छा अनम ने लिखा हुआ है कि उनकी शादी को 2 साल हो गए हैं और उनको ये प्रॉब्लम शादी के बाद शुरू हुआ है और उनका अभी कोई बेबी नहीं है, यानी कि प्रेगनेंट. बच्चे अनम बेबी नहीं है कि प्रेगनेंसी ही नहीं हुई है. देखिए मैंने अभी पहले भी बताया था, दिस इज फॉर अनम एंड तैयबा बोथ. 5-6 बातों को पहले क्लियर करें. जैसे अनम कह रही कि मुझे, मेरा बेबी नहीं है तो क्या प्रेगनेंसी भी नहीं हुई थी. नंबर 2, प्लीज जो मैंने आपकी पिक्चर देखी है, आई नीड टू नो योर हीमोग्लोबिन, जिसके लिए आप अपना CBC टेस्ट कराएंगे. ये आपको अभी मैं SMS भी कर दूंगी. CBC टेस्ट कराएं, आप अपना सीरम फेरेटिन लेवल चेक कराएं, आप अपना विटामिन डी का लेवल चेक कराएं. ठीक है जी, ये चीज़ें चेक कराने के बाद जो है हम ये फैसला करेंगे कि हमने इनको रिप्लेस करना है. अगर हमने इनको रिप्लेस नहीं करना तो जो आपकी स्किन की कंडीशन मैं देख रही हूँ, अगर आप यहाँ कहीं करीब रहती हैं तो मैं बहुत ज़्यादा आपको, मेरा मुखलिसाना मशवरा होगा कि अगर आप इस्लामाबाद में कहीं नियर बाय रहती हैं तो प्लीज़ वी कैन गो फॉर अ क्यू स्विच लेज़र अलॉन्ग विद मीजोथेरेपी विद ग्लूटाथायोन पेप्टाइड. क्या चीज़ें हैं दोनों? क्यू स्विच लेज़र एक बड़ा हाई एंड मशीन होती है जिसको हम 3-4 सेशन अगर आपके चेहरे पे करते हैं तो आपका पिगमेंट बहुत हद तक लाइट हो जाता है. क्यू स्विच करने के बाद हम आपके चेहरे के ऊपर जेल लगाते हैं और ग्लूटाथायोन पेप्टाइड, यानी कि मैं पहले अभी टीकों के बारे में बताया था, उसके इंजेक्टेबल फॉर्म आते हैं जो हम मुतासर स्किन में सिर्फ लगाते हैं. बेहतरीन रिजल्ट एक सेशन में दोनों कंबाइन करके कर सकते हैं. जो लोग करीब रहते हैं इस्लामाबाद में, मैं उनको कहती हूँ कि 2 हफ्ते के बाद सेशन करें, लेकिन अगर कोई ज़्यादा दूर रहता है तो उनको मैं कहती हूँ कि आप बेशक हमारे पास 1 महीने के बाद आ जाएं. 3-4 सेशन कराएं अनम, आपको इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ेगा. और इसके साथ जब तक आप हमारे पास नहीं आती तो तब तक मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर इस वक्त आपकी प्रेगनेंसी नहीं है और आपको कोई क्लॉटिंग वो नहीं है कि कभी पैरों में या कहीं पे कोई क्लॉट ना बनाओ, इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, तो आप कैप्सूल ट्रांजमीन 250 मिलीग्राम जो है सुबह शाम खाना शुरू करें. और ये आपने पूरा महीना लेना है एक्सेप्ट फॉर योर 7 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो 7 दिन आपने ट्रांजमीन नहीं खानी. ठीक है, आपने 90 डेज यानी कि 3 माह के लिए ट्रांजमीन खानी है. साथ में आप रात को फ्लोरेंस क्रीम लगाएंगी रोजाना पूरे चेहरे पर सोते वक्त. ठीक है, और एक रात आप फ्लोरेंस क्रीम लगाएंगी, दूसरी रात आप वंडरफुल नाइट सीरम आता है एलएस्कॉर्बिक एसिड 20% बीसूटिकल फार्मा का, वो आपने 5 कतरे रोजाना रात को लगाने. सुबह आप सन ब्लॉक लगाएं, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप मिनरल यूवी 100 सनब्लॉक SPF 50 खरीद सकती हैं. हर 3 घंटे बाद लगाएं, बेशक घर से बाहर ना निकले, 3 घंटे बाद सनब्लॉक लगाना है. और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप स्पेक्ट्रम SC SPF 40 लगा सकती हैं 3-4 घंटे के बाद. ठीक है, दिस विल हेल्प यू अलॉट. ये सारी ट्रीटमेंट आप 2-3 माह करें और तब तक डिसाइड करें, थोड़ा गूगल करें क्यू स्विच के बारे में और साथ में मीजोथेरेपी विद ग्लूटाथायोन पेप्टाइड. अच्छा जी, अनम एक छोटी सी बच्ची है 12 साल की. 12 साल की बच्ची तो अनम वैसी बड़ी हसीन होती है, ये तो हम बुढ़े लोग जो है वो ख्याल करते हैं कॉम्प्लेक्शंस को गोरा करने के लिए. एनीवे अनम इज 12 years old एंड शी हैज कंसर्न्स विद हर कॉम्प्लेक्शन. शी वांट्स समथिंग दैट विल हेल्प हर. डार्लिंग अच्छा खाना खाओ, जितना अच्छा खाना खा सकती हो, जितने अच्छे खाने से मुराद मेरी ये नहीं होती कि नंबर ऑफ रोटियां बढ़ा दो, राइस खाने शुरू कर दो, गलत चीजें खाओ. प्लीज अपनी डाइट में योगर्ट ऐड करें, अपनी डाइट में मिल्क ऐड करें, आप हैंडफुल ऑफ नट्स खाएं रोजाना, आप अनार खाएं, उसमें बहुत सारा ग्लूटाथायोन है. आप
ब्रोकली खाएं, इसके अंदर बहुत सारा ग्लूटाथायोन है। आप जितनी ब्राइट कलर के फ्रूट्स हैं और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं आप ये सारी खाएं, यू विल हैव अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर कॉम्प्लेक्शन। जितनी आपकी डाइट इम्प्रूव होगी जिसमें प्रोटीन्स ऐड अगर हो सके, अगर हम प्रोटीन में क्या बात करते हैं, आप एक फिश फिले खा लें, आप एक चिकन फिले खा लें, आप बीफ या मटन जो भी पसंद है वो अपना ऐड करें डाइट में, ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर करेंगी तो आपका कॉम्प्लेक्शन इन्हांस रहेगा, खुश रहें और सनब्लॉक ज़रूर लगाएं। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो अभी मैंने पहले भी बताया, तो आप मिनरल यूवी 100 सनब्लॉक SPF 50 हर 3 घंटे बाद लगाएं, इससे आपके कॉम्प्लेक्शन में ऑब्वियस फर्क आएगा कुछ दिनों के बाद। और अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन है तो फिर आप स्पेक्ट्रम SC SPF 40 लगा सकती हैं, या जो भी सनब्लॉक मिल जाए SPF 40 सीबम कंट्रोल, फिर आप वो लगा सकती हैं, ठीक है ना। मरवा ने हमें सवाल किया है कि एक्सेसिव ड्राइनेस अराउंड द आईज एंड नोज साइड है, रेडनेस है एंड स्टिफनेस ऑफ द स्किन। मरवा बच्चे, आई नीड टू नो, डू यू हैव डैंड्रफ? अगर आपको डैंड्रफ हो रही है तो अक्सर आपने देखा होगा यहाँ आईब्रोज में भी खुश्की आ जाती है, आईलैशेस के अंदर भी आ जाती है, नाक के यहाँ पे रेडनेस रहना शुरू हो जाती है या फ्लेकिंग होती है, कान के पीछे होती होगी। परहैप्स इससे तो मुझे ऐसे साउंड कर रहा है कि परहैप्स यू हैव सेबोरिक डर्माटाइटिस, यानी कि जब आपके सर की खुश्की बहुत ज्यादा हो जाए तो वो आपकी स्किन, जो आपकी फेस की स्किन है इस पे मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फ्रंट ऑफ चेस्ट पे, ये बैक ऑफ शोल्डर्स के ऊपर, कान के पीछे भी आपको रैशेस आना शुरू हो जाते हैं। बच्चे इसके लिए अगर आप इस तरह कर लें, वी नो नीड टू नो कि कितनी एग्रेसिव है आपकी डैंड्रफ, तो उसके लिए एक तो सेफली कीटोविन शैम्पू को एक वॉश अगर आप स्कैल्प का कीटोविन शैम्पू के साथ करते हैं जिसमें 2% कीटोकोनाजोल होता है, और दूसरा वॉश आप सेंटर प्लस शैम्पू के साथ करें, ठीक है। हफ्ते में ये दोनों शैम्पू कम से कम 2-2 मरतबा इस्तेमाल करें। अगर आपके चेहरे पे ये रेडनेस और ड्राइनेस बहुत ज्यादा है जिस तरह आप मुझे बता रही हैं, तो आप हाइड्रोजोल क्रीम सुबह शाम 1 हफ्ते के लिए लगा लें और फिर उसको बंद कर लें, वो आपने जारी नहीं रखनी। शैम्पूज आप 2-3 माह के लिए जारी रखें, इट विल हेल्प यू इंशाल्लाह। गेट बैक टू अस इन 5-6 डेज के क्या इंप्रूवमेंट आया है, ठीक है। अच्छा, फिर आयशा ने पूछा है मलाजमा को खत्म करने के लिए। आयशा जी, मैंने पहले भी 2-3 मरीजों को बताया, अगर आप मुझे तस्वीर भेज देंगी तो मैं बेहतर गाइड कर सकूंगी। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है, या अगर मैरिड हैं और प्रेग्नेंट नहीं है, आप लैक्टेटिंग मदर नहीं है यानी कि बच्चे को दूध नहीं पिलाती और मलाजमा है आपको, तो प्लीज आप कैप्सूल ट्रांजमीन 250 मिलीग्राम सुबह शाम खाएं, सिवाय अपने 7 दिन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए और 3 माह के लिए खाएं। साथ में आप इस तरह करें, रात को आप इसी क्रीम के नाम से क्रीम आती है वो रोजाना चेहरे के ऊपर रात को लगाएं, और सुबह के अंदर आप सनब्लॉक लगाएं। मैंने बहुत बार बताया है कि ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, तो जो भी आपकी स्किन है, मैंने बहुत सारे सनब्लॉक्स के नाम बताए हैं, वो आप सनब्लॉक यूज कर सकती हैं। फिर भी मैं बता देती हूँ, प्रोवामेड इज अ वेरी नाइस सनब्लॉक, प्रोवामेड सनब्लॉक SPF 60 आता है, आप वो यूज कर सकती हैं। अगर वो नहीं मिल रहा तो सोलैर 100 के नाम से सनब्लॉक आता है, आप वो यूज कर सकती हैं। अगर सोलैर 100 भी नहीं मिल रहा तो आप स्पेक्ट्रम SC SPF 40 यूज कर सकती हैं, वरना मिनरल यूवी 100 सनब्लॉक इज ऑल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट सनब्लॉक दैट वी कैन फाइंड। हादिया ने हमसे सवाल पूछा है कि लिप लाइन पे व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स हैं। हादिया, आपके चेहरे पे भी टेंडेंसी है टू हैव ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स। देखो, हम ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स को एक्सट्रूड करा सकते हैं। आप इस तरह कीजिए कि अगर आप किसी सिटी में रहती हैं तो अपने नियर बाय डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके आप माइक्रोडर्मेब्रेजन कराएं, ठीक है। उसके साथ जब आप 3-4 सेशन करेंगी तो ये आपके ब्लैक हेड्स, या फिर हाइड्रोफेशियल करा लें, ये आपके ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को निकाल लिया जाएगा, और फिर इसके बाद आप स्किन ए क्रीम रोजाना 1 मटर के दाने जितनी सनसेट के बाद 2 घंटे के लिए चेहरे के फिर ऊपर लगाएं, इंशाल्लाह इट विल हेल्प योर व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स, बनेंगे नहीं आपके, ठीक है। परहैप्स आपकी ऑयली स्किन होगी, आप इस तरह करें, आर्केना एक्नी फेस वॉश भी शुरू कर दें, सुबह शाम वो इस्तेमाल करें। साथ में आपको मैंने कहा है स्किन ए क्रीम लगाएं 2 घंटे के लिए, और कुछ सेशन से मुराद 3-4 सेशन हर माह आप माइक्रोडर्मेब्रेजन या हाइड्रोफेशियल के करा लें, इट विल हेल्प योर लिप लाइन के ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को। फिर हमसे पूछा है सवाल सबा नूर ने, उनका बेटा है 3 साल का और उसको रहता है एक्जिमा, चीक्स पे भी, बॉडी पे बहुत ज्यादा इच करते हैं। सबा,
परहैप्स अगर 3 साल का बच्चा है और आपको लगता है कि उसको एक्जिमा है, पहले तो अगर आप अपने नियर बाय डर्मेटोलॉजिस्ट, बिकॉज बच्चा है तो इस तरह ऑनलाइन उसको कंसल्ट मत करवाइए, अगर आप अपने नियर बाय डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा देंगी तो बहुत बेहतर होगा. बट द पॉइंट इज, जिस तरह आप बता रही हैं, बहुत मुमकिन है कि आपका बच्चा एटॉपिक डर्मेटाइटिस, जो कि एक्जिमा की किस्म है बच्चों में, उससे सफर कर रहा हो. अब यूजुअली मैं लोगों को कहती हूँ, जितने भी एक्जिमा के मरीज होते हैं, चाहे वो एडल्ट्स हों चाहे वो बच्चे हों, 5 से 6 एहतियात जो आजकल का वेदर है इसमें करने हैं. नंबर 1, अगर आपके घर में पेट्स हैं तो बच्चे को पेट्स से दूर रखें, यानी कि बिल्ली है, डॉग है, व्हाट एवर पेट यू हैव, उससे बच्चे को दूर रखें. फिर दूसरी बात ये कि इसके बॉडी को जितना आप बेहतर मॉइस्चराइज करेंगी, इसका स्किन बैरियर, यानी कि यह हमारी स्किन जो है ना, ये एक बैरियर फंक्शन देती है. हम जितना इसको मॉइस्चराइज बेहतर करते हैं ना, उतना ही हमारी स्किन पे ये एक्जिमा और ये चीज़ें नहीं होती. तो आप अपने बच्चे के स्किन बैरियर को बेहतर करने के लिए इसको अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाएं. अच्छा, आप इसको बहुत प्रोलॉन्ग शॉवर ना दिलाएं, बस जल्दी से क्विक से थोड़ा सा हल्का ल्यूक वार्म वाटर से नहलाएं. इसको बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें. रोजाना रात को इसकी ऑयलिंग करें. इसकी बॉडी, इसको बहुत ज्यादा ऑयली बहुत ज्यादा वुलन कपड़े ना पहनाएं, ठीक है? वुलन कपड़ों को अवॉइड करें. अगर आपकी सेंट्रल हीटिंग या सेंट्रल कूलिंग है, आजकल तो हीटिंग होगी, तो उससे भी ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है. ह्यूमिडिफायर रखें. अगर ह्यूमिडिफायर नहीं रख सकती तो आप कोशिश करें कि एक, अगर हीटर लगाते हैं तो हीटर के ऊपर एक बोल में पानी रख दें, ताकि कमरे में ह्यूमिडिफिकेशन थोड़ी हो सके. और चौथी बात ये है, बड़ी अहम बात थी जो कि मेरे जहन से निकल गई, वो ये है कि एक्जिमा के बच्चों को जितना ज्यादा मॉइस्चराइज कर सकती है उतना बेहतर है, ठीक है? अब मॉइस्चराइजिंग में क्या आता है, आसान तरीका ये है कि आप 50-50 वाइट्स ऑफ पैराफिन और लिक्विड पैराफिन अपने किसी भी करीबी फार्मेसी में जाकर डिस्पेंस करवा लें. व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन, ठीक है, एंड लिक्विड पैराफिन, इनको मिक्स करके कॉम्बिनेशन में फार्मेसी वाले आपको दे देते हैं. वो आप इस बच्चे को सुबह शाम लगाएं पूरे जिस्म के ऊपर. और मैंने आपको जैसे बताया है कि बहुत वुलन कपड़े इसको ना पहनाएं, इंशाल्लाह ही विल गेट बेटर. और ये वैसे भी अगर 3 साल का है तो एज ही गेट ओल्डर ही विल ग्रो आउट ऑफ दिस एक्जिमा इंशाल्लाह. तो परेशान होने की बात नहीं है. इंजीनियर अजमत साहब को हेयर फॉल का बड़ा मसला हो रहा है. अजमत साहब, हमने हेयर फॉल के बारे में बहुत बात की. एक तो आपकी उम्र, अगर हमें पता चल जाए उम्र कितनी है, आपको डैंड्रफ की शिकायत तो नहीं है, हमें ये बताइए. आपकी फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है हेयर फॉल की, अगर ये सब बातें नहीं है, अपना विटामिन डी भी आपका अगर ठीक है और आपका थायराइड नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, अपना TSH अगर आप चेक कर ले, अगर ये सब कुछ ठीक है, तो आपने हमें, आप इस तरह करें कि एक टैबलेट आती है, टैबलेट पिलीग्रो के नाम से, आप पिलीग्रो की टैबलेट एक गोली रोजाना खानी शुरू कर दें. साथ में आप जो है शैम्पू, ये सॉरी हेयर स्प्रे आता है माइनोक्सिडिल 5%, तो उसके 6 पफ सुबह शाम आप स्प्रे के इस्तेमाल करें. और उसके अलावा कोई अच्छा सा मेडिकेटेड शैम्पू जिसके अंदर प्लेसेंटा एलान बायोक्सिन शैम्पू, और अगर ये दोनों भी ना मिले आपको, तो टी ट्री ऑयल वाला शैम्पू मिलता है, वो आप अपना इस्तेमाल करना शुरू करें. इंशाल्लाह योर हेयर फॉल विल इम्प्रूव. मिसेस शौकत को हमने, हमसे डार्क सर्कल्स का पूछा, तो ये हमने जवाब दे दिया. जी जनाब, कोई और सवाल है? आई होप दिस सेशन इज ऑफ एनी हेल्प फॉर यू पीपल. आई एम ट्राइंग, अपने क्लिनिक के टाइम में, पीक वर्किंग आवर्स में ये निकाल रही हूँ. जी, ये हमें तस्वीर भेजी है राबिया बाबर, एक्नी स्कार्स, बहुत माइल्ड से एक्नी स्कार्स हैं आपके बच्चे, व्हाट आई कैन सी. अच्छा, और ये अच्छी बात है कि एक्टिव एक्नी नहीं है इस वक्त. हाँ, यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर डूइंग अ CO2 रिसर्फिसिंग लेजर ऑन यू. CO2 रिसर्फिसिंग के 3 से 4 सेशन कराए, इंशाल्लाह यू विल हैव अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन इट. Now the treatment options that I told you, जिसमें PRP आता है, CO2 resurfacing आता है, फिर हमने micro needling की बात की, फिर हमने hydrofacial microdermabrasions की बात की. अब अगर देखा जाए तो ये सारी वो minor modalities हैं जिनके साथ कोई बड़े side effects associated नहीं है. ये सारे बड़े basic procedures हैं,
इनको करने से पहले बहुत बार सोचना नहीं चाहिए, बिकॉज दीज आर टेस्टेड मोडेलिटीज विच डू नॉट हैव मच साइड इफेक्ट्स, दे कैन बी डन ऑन मोस्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन. लेकिन कौन सा प्रोसीजर किस पे होना है, ये डिसीजन अगर आपका फिजिशियन या आपका नियर बाय डर्मेटोलॉजिस्ट आपकी स्किन को फिजिकली चेक करके ले तो ये ज्यादा बेहतर है. उससे आपको इम्प्रूवमेंट भी आती है, फिर ये किला नहीं रहता कि जी डॉक्टर साहिबा ने ट्रीटमेंट बताया था, इट डिडंट हेल्प अस. अब ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि आपको एक अवेयरनेस जनरल हो जाए. बाकी आप अपने जितने भी नियर बाय डर्मेटोलॉजिस्ट हैं या आपके एस्थेटिक क्लिनिक्स हैं तो आप उनके पास जाके अपनी पर्टिकुलर कंडीशन दिखा के अगर तब ट्रीटमेंट शुरू करें तो इससे बहुत ज्यादा फायदा आपको होगा. और ये एक ओवरव्यू हम देते हैं, मतलब बहुत बार ऐसे होते हैं कि मरीज समझ रहा होता है कि मुझे मलाजमा है, वो मलाजमा नहीं होता. बहुत बार ऐसा होता है कि मरीज को हेयर फॉल होता है लेकिन अंडरलाइंग इन्वेस्टिगेशंस नहीं होती, और अगर वो शैम्पू जितने भी इस्तेमाल कर ले, स्प्रे जितने भी इस्तेमाल कर ले, उनसे फर्क नहीं पड़ता. सो टेलिंग यू ऑल दीज आर जस्ट टू लेट यू नो दैट दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल जो कि हम अगर आप करवाना चाहें तो कर सकते हैं. लेकिन क्या आप सब इन चीजों के लिए राइट कैंडिडेट्स हैं कि नहीं, क्योंकि जितना बेहतर हम स्पेशल जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, हमारी तो प्रैक्टिस की ब्यूटी ये है कि हम देख के फौरन फैसला करते हैं. बहुत लंबे चौड़े टेस्टों में, बहुत लंबी चौड़ी किस्सों में हम नहीं होते. दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्किन, दैट यू जस्ट एग्जामिन एंड मे बी यू कैन डिसाइड कि अच्छा ये मसला है, हम ये हल कर देंगे. तो हम लोगों के पास तो ये विजिट्स फिर 3 से 4 चाहिए होते हैं, लेकिन जनरली आई थिंक बेहतर यही होगा कि आई ट्राई टू हेल्प यू गाइज सो दैट यू हैव एन आइडिया कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन the best option is to come to us or go to your nearby dermatologist और तब फैसला करके अपने स्किन के बारे में जो भी आपको ट्रीटमेंट चाहिए वो आप ले लें. आजकल हमारी क्लिनिक में हमने एक बड़ी अच्छी ऑफर दी हुई है 20% ऑफ पे. BTL Excellus एक हमारा ट्रीटमेंट है. इट इज़ फॉर ऑल दोज पीपल हु हैव सैगिनेस, अर्ली सैगिनेस अगर आपकी हो गई है, माइल्ड सी, जैसे यंग लड़कियां भी कहती हैं कि वी फील दैट आर स्किन इज सैगिंग, या हमारी डबल चिन है, या हमारी जॉ लाइन बेहतर नहीं है, तो उसके लिए वी हैव दिस BTL Excellus लिफ्ट, BTL Excellus इलाइट आता है हमारे पास. बेहतरीन रिजल्ट्स हैं, नो साइड इफेक्ट, इट इज एन अमेजिंग प्रोसीजर. वॉर्म सा एक प्रोब होता है, उसके साथ हम आपके टिश्यूज को सर्कुलर मूवमेंट में ट्रीट करते हैं. 3 से 4 सेशन चाहिए होते हैं 10 days के गैप से, एंड यू हैव अ वेरी नाइस ग्लोइंग लिफ्टेड अप स्किन. लेकिन रिजल्ट इसका 3 months के अंदर आता है. डू ट्राई दिस ट्रीटमेंट, वी हैव अ वेरी गुड ऑफर ऑन इट, एंड इंशाल्लाह यू विल बी हैप्पियर. ये मेरी असिस्टेंट ने मुझे इंसिस्ट करवा के कहलवाया, वरना मैंने नहीं बोलना था. अच्छा जी, अनम ने हमसे एक आखिरी सवाल भी टेक, एंड देन मगरिब का टाइम भी होने वाला है. अनम को PCOS है और उनका वजन है 80 किलोग्राम. अनम बच्चे, जिसके पास भी जाओगी दुनिया में एक ही सवाल का जवाब है, और वो है कि वजन कम करो, भागना शुरू कर दो और मुंह को जिप कर लो. ठीक है, Try to choose healthy food for yourself. Please, again and again, I am telling you, starvation is not the answer for losing weight. अगर आप हेल्दी खाना खाएंगे तो आपको बेहतर नतीजे मिलेंगे, आपको लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे. ठीक है, हेल्दी खाएं, मीठा मत खाएं, व्हीट ज्यादा मत खाएं, राइस मत खाएं, पेप्सी कोको कोला मत खाएं, तली हुई चीजें मत खाएं. अपना पोर्शन साइज कंट्रोल करें, थोड़ा सा फ्रीक्वेंट मील्स लें, 6 मील्स लें दिन में, लेकिन स्मॉल पोर्शंस में लें. बहुत सारी एक्सरसाइज करें. उसके अलावा अपने 4 से 5 टेस्ट कराएंगी. क्या टेस्ट कराएंगी? सबसे पहले तो आप अपना अल्ट्रासाउंड करेंगी, पेल्विक अल्ट्रासाउंड टू रूल आउट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, नंबर 1. वो आप अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के दूसरे दिन जाके करा लेंगी अपने नियर बाय सोनोलॉजिस्ट से. फिर उसके बाद आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल, LH, FSH, प्रोलेक्टिन लेवल, ठीक है, और अपना TSH, ये 4 टेस्ट करा लेंगी अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के 2nd day के ऊपर. जब हम ये टेस्ट देख लेंगे तो उसके बाद हम फैसला करेंगे कि अलोंग विद रिडक्शन ऑफ वेट हमने आपके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन चूज करना है. अगर आपके पीरियड्स बिल्कुल नहीं आ रहे तो फिर तो आपको आपके टेस्ट के रिपोर्ट के बाद हम यूजली ड्यूफेस्टान गोली देते हैं ताकि आपको थ्रेशहोल्ड ब्लीडिंग हो जाए. लेकिन अगर आपके पीरियड्स आ रहे हैं तो फिर आप फिलहाल
बिफोर यू स्टार्ट ऑन, एक तो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के सेकंड डे ये टेस्ट करा लेंगे, साथ में आप टैबलेट ग्लूकोफेज शुरू कर सकती हैं 500 मिलीग्राम एक गोली रोजाना 10 दिन खाएं, फिर उसके बाद आप एक गोली सुबह शाम खानी शुरू कर दें, साथ में इन्फोलिक साशे एक ग्लास पानी में डाल के रोजाना एक पीना शुरू कर दें। ये दो चीजें हो गई हैं और बाकी प्लीज आप अपनी इन्वेस्टिगेशन करा के अपनी नियर बाय डर्मेटोलॉजिस्ट या अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिले ताकि आपकी फर्दर हेल्प कर सकें। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग इन अस एंड आस्किंग क्वेश्चन। इंशाल्लाह आई मीट यू सून अगेन। अपना बहुत ख्याल रखें और प्लीज कोविड के इस स्ट्रेंज सी सिचुएशन में, एक तो जहां पे हमने दुआ करनी है कि अल्लाह इससे हमारी जान छुड़ाए, क्योंकि हमारी बहुत गरीब मुल्क है और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, फाइनेंशियल क्रंच है हर बंदे का। तो जितना हम SOPs को फॉलो करेंगे, जितना ज़्यादा हम मास्क पहनेंगे, इसमें हमारी भी भलाई है और दूसरों की भी भलाई है। अननेसेसरी बाहर जाना, अननेसेसरी गैदरिंग्स पे जाना, रेस्टोरेंट्स में जाना, ये प्लीज़ अवॉइड करें और बार बार हाथ धोएं। और मैं अगेन वही बात करूंगी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और क्योर तो हमारे पास कोविड का है भी नहीं। तो प्लीज बहुत एहतियात करें, हम सब के घरों में पेरेंट्स हैं और उन सब की सेहत के लिए बहुत जरूरी है और हमारी अपनी सेहतों के लिए भी, कि जितने हम मास्क पहने, ग्लव्स पहने और अननेसेसरी एक्सपोजर टू क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड किया जाए। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल एंड आई विल सी यू सून अगेन। अल्लाह हाफिज। सेव कर लो। And